नमस्कार और स्वागत है आपका ओपेरिनिस्टिक में। आज हम लोग जानेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है भारत की मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है www.operinistic.com और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/operinistic। तो आइए आज हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक चला। ये करीब 3 वर्षों तक ये आंदोलन चलता रहा, छोटे छोटे हिस्सों में, फिर एक व्यापक तौर पे चला, लेकिन ये करीब 3 वर्षों तक चलता रहा। और यह मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह के एलिमेंट्स थे। तो ये एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था जिसे मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था सुन्नी इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना करना। तो मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि जो तुर्की के खलीफा होते उनके पद को चूंकि अब समाप्त कर दिया गया था, तो उस पद की पुनः स्थापना करना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सुन्नी सेक्ट है इस्लाम का, वो तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा मानता था। इस वजह से इस पद की पुनः स्थापना करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत की थी मोहम्मद अली शौकत अली ने, इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और बाद में ये दोनों भाई पाकिस्तान की मांग के आंदोलन में भी शामिल हुए। तो मोहम्मद अली शौकत अली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा, शुरुआत करने वाले थे इस आंदोलन को और वो पाकिस्तान की मांग के आंदोलन में भी बाद में शामिल हुए थे। अब ये शुरू कैसे हुआ ये देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की और ब्रिटेन की लड़ाई हुई थी, उसमें तुर्की हार गया, तो युद्ध में पराजय पर तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। तो ये ब्रिटेन द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, और इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ अनरेस्ट था मुसलमानों में। अंग्रेज जो थे वो इस पद को समाप्त कर गए थे, इस वजह से मुसलमानों के मन में एक ईर्ष्या थी, एक बदला लेने की भावना थी अंग्रेजों के खिलाफ। मुसलमानों को यह उनके धर्म पर प्रहार जैसा लगा तथा उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये खलीफा का पद समाप्त करना युद्ध में हार जीत जैसी चीज की तरह से इसको नहीं लिया गया, बल्कि इसको अपने धर्म पे प्रहार के रूप में लिया गया। और पूरी दुनिया में, वैसे तो पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पर इसका विरोध हुआ, लेकिन भारत में भी इसका विरोध शुरू हुआ। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस विरोध को शुरू किया और एक कमेटी भी गठित हुई जिसे खिलाफत कमेटी कहा जाता है। अब ब्रिटेन के इस कृत्य के विरोध में, यह कृत्य कौन सा, खलीफा के पद को समाप्त करना, तो ब्रिटेन के इस कृत्य के विरोध में 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। यहीं से शुरुआत हुई थी खिलाफत को एक बड़े आंदोलन के रूप में करने की। खिलाफत कमेटी ने 1 अगस्त 1920 को अखिल भारतीय हड़ताल की भी घोषणा की थी, जो कि काफ़ी हद तक सफल भी रही थी। तो 1 अगस्त 1920 को अखिल भारतीय हड़ताल हुई। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं है बल्कि एक ये धार्मिक आंदोलन भी है। तो उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उनको दी गई थी। तो केसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस लौटाई और उन्होंने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया। गांधी जी को यह उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि, 1915 में मिली थी। सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कोलकाता में इस आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन को एक साथ लाने का प्रयास किया। अब गांधी जी ने क्या सोचा होगा, 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन किया था जिसमें अंग्रेजों की बात नहीं माननी थी और गवर्नमेंट को सहयोग नहीं करना था। तो यह आंदोलन काफ़ी सफल था। और इसी बीच में खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ तो महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि ब्रिटिश के खिलाफ ये जो अनरेस्ट है इसको बुनाया जा सकता है, इसका फायदा उठाया जा सकता है और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को एक साथ मिलाकर ब्रिटिश के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। तो ऐसा सोचते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया और उन्होंने चाहा कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ आ जाएं। इसको
समाचार पत्रों के द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार किया गया। इसमें अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली और जफर अली खान, इनके अपने अपने समाचार पत्र थे, तो उन्होंने अपने समाचार पत्रों के द्वारा इस आंदोलन को व्यापक रूप दिया और बढ़ाया। और उधर तुर्की में क्या हो रहा था, तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्हें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है, ये एक फील्ड मार्शल थे जिन्होंने तख्तापलट किया था तुर्की में। इन्हें आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है और ये तुर्की के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के हाथ में पावर आया तो उन्होंने सुल्तान खलीफा मोहम्मद चतुर्थ को पद से हटा दिया और उनके स्थान पर अब्दुल मजीद को पदासीन कर दिया। लेकिन अब्दुल मजीद को इन्होंने कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिया, सिर्फ नाम का खलीफा बना दिया उनको। अब खिलाफत कमेटी ने 1924 में एक प्रतिनिधि मंडल तुर्की भेजा और ये तुर्की में ये प्रतिनिधि मंडल क्या करने गया था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बात करने के लिए गया था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसकी उपेक्षा की और 3 मार्च 1924 को उन्होंने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ही तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया और इस प्रकार से यह खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ अनरेस्ट शो किया गया लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा के खिलाफ कोई भी अनरेस्ट या बदला लेने की भावना कहीं से भी नहीं दिखाई दी और इस प्रकार से यह खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। 1922 तक यह आंदोलन फुल फोर्स से चला। 1922 से लेकर 1924 तक बहुत ही कम फोर्स रहा, बहुत ही कम असर रहा इस खिलाफत आंदोलन का और यह 3 मार्च 1924 को आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया जब तुर्की में खलीफा का पद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तो ये कहानी थी खिलाफत आंदोलन की। अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। यदि आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में फिर से। नमस्कार।